अच्छा नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए था। वो कर ही नहीं पाए, इतना पॉल्यूशन पेड़ों के आस पास में। लोगों को समझना चाहिए कि पटाखे चलाने से कोई खुशियां कोई संबंध नहीं है। गाड़ी फोड़ने से बहुत प्रदूषण हो रहा है, गले में फंस रहा है सब, तकलीफ हो रहा है बहुत ज्यादा। सुबह रोज वॉकिंग करने आते हैं तो क्लाइमेट चेंज हुआ ना, धक्कारी फोड़ने से बहुत प्रदूषण हो रहा है, गले में फंस रहा है सब, तकलीफ हो रहा है बहुत ज्यादा। और रास्ते में भी देखो गंदगी कितने फैल रही है, ये साफ सफाई होनी चाहिए, सब ये सब नहीं होना चाहिए, फटकारी नहीं फोड़ना चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे, मतलब किस तरह की परेशानी हुई अभी, क्लाइमेट चेंज हुआ, धूल मिट्टी? हाँ, धूल मिट्टी बहुत उड़ रही है ना, देखो गंदगी कितना हुआ, और ये क्लाइमेट चेंज होने से कितना तकलीफ हुआ है, और फटकारी इतना फोड़ रहे हैं लोग गले में, उम्रदार वालों के तो खास करके गले में फंसता है, धुआं जाता है तो तकलीफ होता ही है। पटाखे लोग चलाते हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है, कोई उसका लाभ नहीं है। लोग अपना अपनी सेहत भी खराब करते हैं, अपने पैसे भी बर्बाद करते हैं। और लोगों को समझना चाहिए कि पटाखे चलाने से कोई खुशियां कोई संबंध नहीं है। दिल्ली में पटाखे बैन हो गए तो मेरी राय यह है कि पूरे देश में बैन होने चाहिए। आज सवेरे 10 डबल है पॉल्यूशन, इतना जबरदस्त है कि आपको बता नहीं सकते। रनिंग वॉक करने में दिक्कत आ रही है, वॉक कर ही नहीं पाए, इतना पॉल्यूशन पेड़ों के आसपास में, उधर सेंटर पार्क में बिल्कुल नहीं कर पाए, आधा चक्कर लगा के वापस आ रहे हैं। आज ताजमहल देखने आया था, आज फ्राइडे है इसलिए ताजमहल मेन गेट बंद है, इसलिए व्यू पॉइंट से हम लोग आया हूँ। लेकिन थोड़ा सा पोल्यूशन भी उतना ज़्यादा नहीं है, हल्का सा है, इसलिए थोड़ा सा व्यू अच्छा नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए था।